भाजपा नेता एवं नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रभावितों को 7 लाख का झूठा सपना दिखाकर अब उन्हें भूल गई है। न तो प्रभावितों को राहत राशि मिली है और न ही घर बनाने के लिए जमीन दी जा रही है। यह आरोप उन्होंने बीती शाम मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान लगाया। चमन कपूर ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, ठीक उसी तरह से प्रभावितों के साथ भी 4,500 करोड़ के राहत पैकेज का झूठा सपना दिखाकर छल किया गया है। बेहतर होता कि सरकार पैसों से पहले प्रभावितों को जमीन देती। जिन चंद प्रभावितों को 3 लाख मिले हैं, उनका यह पैसा जिंदगी की नई शुरुआत में खर्च होता जा रहा है। जब तक सरकार जमीन देगी तब तक इन प्रभावितों के हाथ खाली हो चुके होंगे और घर नहीं बना पाएंगे। यदि सरकार ने जल्द ही प्रभावितों को जमीन और घर बनाने के लिए मुआवजा जारी नहीं किया तो फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी और हमने भी पीछे जब गए थे लोगों को राहत राशि देने, तो आप लोगों के पत्रकारों के ही माध्यम से ये बात करी थी कि सरकार सबसे पहले इनको जमीन दे, चाहे 2 बिस्वे दे चाहे 4 बिस्वे दे, सरकार सबसे पहले जो है इनको जमीन दे। क्योंकि अगर भाई दिवे किसी को मिल भी गए पैसे 2 लाख 3 लाख जो भी मिलेंगे, वो पहले किताबें खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा। जब तक सरकार जमीन देगी तब तक वो सब पैसे खत्म हो चुकेंगे। तो इसका मतलब है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सबसे पहले सरकार जो है उनको जमीन दे, उसके बाद पैसे कंटिन्यूसली दे, 2 लाख दे, फिर 2 लाख दे, फिर 4 लाख दे, कोई बात नहीं 7 लाख पूरे करें, लेकिन जैसे लोगों का काम हो तो इमीडिएट उनको दे। अब सर्दी आने वाली है, टेंट तो हमने दिए हुए लेकिन लगाने के लिए जगह नहीं है, अनाप शनाप जगह पर उन्होंने लगाए हुए हैं, फिर भी कोई धमकाने आ जाए। सरकार का एक आश्वासन होना चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो जमीन इनको पहले अलाउ करे। त्रासदियाँ आती हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी, उनके टाइम में बहुत बड़ी त्रासदी आई, भयंकर महामारी आई, कोविड की महामारी, लेकिन उन्होंने तब भी विकास कार्य नहीं रुकने दिए और सबको सब तक वैक्सीन पहुंचाई। और इवन के हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश जो है पूरे भारतवर्ष में नंबर वन रहा, उस टाइम भी किया उन्होंने और इस टाइम भी उनके हम धन्यवादी हैं कि जैसे ही आपदा आई तो उन्होंने नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार है, सबसे पहले दिल्ली पहुंचे, वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के साथ और गडकरी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ सबसे मिले और वहां से राहत राशि हिमाचल प्रदेश में पहुंचाई। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार को कि जो काम करता है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसी आपदा के टाइम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जब जयराम ठाकुर जी ने वहां से हेल्प करी है तो बोलना चाहिए कि जयराम ठाकुर जी ने हेल्प करी और सब में बराबर बटनी चाहिए, जिनको भी जिनकी भी ज़रूरत है, जो पात्र व्यक्ति हैं उनके तक सहायता पहुँचनी चाहिए और दोबारा जयराम जी को साथ ले जाकर और आगे से सहयोग की कोशिश मांगनी चाहिए, सहयोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगना चाहिए और लेना चाहिए। और ऐसे मौके पे भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबके सामने सबके लिए खड़ी है, लेकिन जो कांग्रेस है वो पता नहीं क्यों अपने इस रवैये पे अड़ी है कि गरीबों को गरीब ही रहने दो और जो बिना घर हैं उनको बेघर ही रहने दो। धन्यवाद। देखो मंडी तो मेरा घर है और जो भी पॉलिटिक्स में है वो चुनाव लड़ने का इच्छुक हमेशा रहता है और मैंने कई चुनाव लड़े हुए हैं। मैं अभी भी चेयरमैन हूँ म्यूनसिपल काउंसिल मनाली में और यूएलबी चेयरपर्सन फेडरेशन है हिमाचल प्रदेश की, उसका भी चेयरमैन हूँ। पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी अनुशासित पार्टी है, उसमें जो दायित्व तो दिया जाता है उसका निर्वहन किया जाता है, आज तक भी हमने किया है और आगे भी जो दायित्व तो पार्टी देगी उसका निर्वहन किया जाएगा, जो हाईकमान फैसला करेगा उसी पे जो है सब लोग जो भी अनुशासित लोग हैं इस पार्टी में वो उसी पे चलते हैं जो हाईकमान का फैसला होता है। मंडी से संजय अग्रवाल के साथ कैमरामैन युगमार्ग टीवी।